साल यहाँ पे आते हैं, जब भी यहाँ पे मेला होता है हम दर्शन करने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे आके बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। अच्छा मौसम रहता है, नीचे की धूप से यहाँ पे ठंडी हवाएं चलती है, तो भगवान के अपने देवते का राजा संपा देवता जी का आशीर्वाद लेने आते हैं यहाँ पे। और हम और भी लोगों से कहते हैं कि आप भी आओ यहाँ पे, नेचर को इन्जॉय करो। क्या फॉगी वेदर होता है उसको इन्जॉय करो, देवदार के पेड़ है, फ्रेश एयर है, सब चीज़ों का आनंद लें। यहाँ एक धार्मिक जगह है, हमारे हिंदू लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं, और यहाँ माता टेकर बढ़िया अच्छे तरीके से जहाँ से जाते हैं अपनी मनोकामना पूरी करके होती है यहाँ पर। और क्या है कि थोड़ी सी सिस्टम नहीं होने की वजह से यहाँ पर श्रद्धालुओं की परेशानी आती है, वहाँ पर माथा टेकना वो भी परेशानी आती है। अगर ये 3 दिन का मेला हो जाएगा तो जहाँ पर मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु भी आएंगे, फिर रहने के लिए यहाँ पर थोड़ी सी कोई अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई व्यवस्था हो जाए वो तो और भी अच्छी है। ये बहुत पुराना, हजारों साल पुराने परंपरा है, ये चल रहा है, यहाँ यात्री आते हैं। और ये चंद्रकोट से यात्रा निकलती है हमारी, और रात को हम रास्ते में रुकते हैं और दूसरे दिन आके यहाँ हमारी यात्रा होती है। और ये पूरे जम्मू कश्मीर से लोग आते हैं, ना कि यहाँ एक छोटी सी जगह से, या पूरे हर डिस्ट्रिक्ट से लोग यहाँ आते हैं। और बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ, और लोग बहुत श्रद्धा से आते हैं। और ये बहुत शक्तिशाली हमारे राजा संपाल हैं, इनका नाम राजा है, ये यहाँ के पूरे इलाके के राजा हैं, इनको मानते हैं लोग। हम चंद्रकोट से चलते हैं, डोल लेकर नगारे से चलते हैं, और सैंकड़ों के हिसाब से वहाँ से ही चालू हो जाते हैं, और रास्ते में सब मिलते जाते हैं, और पड़ाव पर पड़ाव हम आते रहते हैं। बाकी यहाँ गवर्नमेंट को भी तवज्जो देनी चाहिए। मैं तकरीबन काफ़ी इलाकों में घूमा हूँ, लेकिन जितना खूबसूरत और अच्छा यहाँ का माहौल और यहाँ के लोग और यहाँ का जो ये खूबसूरती है, इतनी कहीं भी नहीं है। लोग श्रीनगर को दौड़ते हैं, पत्नीटॉप है, सनासर, ये बहुत खूबसूरत एरिया है। एल जी साहब से भी गुजारिश करेंगे, और अपने डॉक्टर साहब जितेंद्र जी से भी गुजारिश करते हैं, और अपने डिस्ट्रिक्ट अपना फर्स्ट एड साहब से भी गुजारिश करते हैं कम से कम यहाँ के लिए थोड़ा ध्यान दिया जाए। कितनी जनता है, सब आपके सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सरकार का, अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे नज़रसानी करें। हाँ शिवम जी, सबसे पहले आपका हम बड़ा धन्यवाद करते हैं कि आपने इस एक बहुत दूर दराज पहाड़ के इलाके में एक मेले को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया, उसके लिए हम आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं। और यात्राएं जो है ये एक यहाँ एक परंपरा दिखाई देती है, ये लांदर से डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, पठनी डिस्ट्रिक्ट रामबन, चंद्रकोट डिस्ट्रिक्ट रामबन, पन्नौद डिस्ट्रिक्ट रामबन, अब ये चारों तरफ से यात्राएं यहाँ आती हैं। और ये तो छड़ियाँ निकलती हैं चार, उसके अलावा लोग जो हैं जम्मू से, रियासी से, उधमपुर से, रामबन के पूरे डिस्ट्रिक्ट से लोग यहाँ आते हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं, और 2 दिन पहले निकल जाते हैं घर से, और यहाँ भी बड़ी श्रद्धा के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की, मतलब यहाँ दर्शन किए। और दूसरी बात यहाँ देखने में जो आती है कि हमारे जैसे लंगरों के बोर्ड आपने देखे, लंगर कट्टी से है, लांदर से है, और ये लोग भी सेवा कर रहे हैं। और यहाँ इतनी अच्छी बात मैं ये अप्रिशिएट कर रहा था कि इन्होंने लंगर भी लगाए हैं और यहाँ डस्टबिन साथ साथ रखे हैं, ताकि कहीं गंदगी ना फैले, पोल्यूशन ना फैले, और अपने लेवल पे सारा ये अरेंज कर रहे हैं, प्रबंध कर रहे हैं, गंदगी से बचा रहे हैं, लोगों की सेवा भी कर रहे हैं, पानी की सेवा कर रहे हैं। और यहाँ की पुलिस जो है रामदर से है, हरमकुंड से है, या दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आई है, वो भी बेचारे बड़ी श्रद्धा के साथ सेवा कर रहे हैं, तो हम इनका भी बड़ा धन्यवाद करते हैं। और ये परंपरा का मेला जो है यहाँ चल रहा है, और हम चाहते हैं कि इसको और बढ़ाया जाए। Thank you.